हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे। और दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। कार की जो है बैटरी मेरी डेड हो चुकी है। इस कार को लिए हुए लगभग मुझे जो है 4 साल हो गए हैं, 3.5 साल लगभग हो गए हैं। और जो है इसकी अब जो है बैटरी बिल्कुल सेल्फ नहीं ले रही है, मतलब कभी कभी सेल्फ लेती है थोड़ी देर चलने पर, और अगर एक दो दिन गाड़ी खड़ी रह जाए तो उसके बाद फिर जो है इसका सेल्फ नहीं लगता है किसी भी तरीके से। तो ये एक बड़ा अपने आप में इशू बन रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो है आज इसकी बैटरी अब रिप्लेस कराई जाए। पहले जो इसमें बैटरी डली हुई थी एमरॉन की डली हुई थी, और आज मैं एक नया दाव खेलने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने कई जगहों पर सर्च किया तो कई लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बताया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें आज हम कौन सी बैटरी डलवाने वाले हैं और क्या उसका बेनिफिट है, क्या वाकई वो कैसी चलेगी। ये तो लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कि उसका वाकई परफॉर्मेंस वैसा है या नहीं है, लेकिन जो है देखते हैं। और इस समय जो कंडीशन है बैटरी की गाड़ी की वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं जो है गाड़ी इस समय लगभग बंद कंडीशन में पड़ी हुई है, क्योंकि जो है बैटरी बिल्कुल भी नहीं उठा पा रही है। खाली जो है ये ब्लिंक कर रही है जगह पे, देखिए आप अगर दिख पा रहा हो इस पे। तो यही एक ऑप्शन बस इसमें दिखाई दे रहा है। बाकी जैसे मैं सेल्फ ले रहा हूं तो टिक 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 करके आवाज आ रही है, क्योंकि बैटरी जो है ड्रेन हो चुकी है। तो हालांकि उनका कहना है बैटरी ठीक है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां होती हैं, इन गाड़ियों में दिक्कत क्या है कि समय के साथ जो है आपका बैटरी में जो है पावर कम हो जाती है, तो वो सेल्फ लेने में दिक्कत करती है। हालांकि म्यूजिक सिस्टम वगैरह की बात करूं तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह उसमें जो है चल जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे चल रहा था, और हालांकि मैंने उसे जानबूझ के बंद कर दिया इस समय। ये देखिए आप, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है। तो ये एक बड़ा इशू रहता है। तो चलिए बैटरी इसकी जो है हम चेंज करवाते हैं और देखते हैं कौन सी बैटरी डलवाएंगे। और बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सी बैटरी इसमें डलवाने वाला हूं। और हालांकि थंबनेल में आप देख के समझ ही गए होंगे। तो एक बड़ा खर्चा, जिसे कहते हैं कि समय के साथ जो होता है, बड़ा खर्चा तो नहीं कहेंगे, एक जरूरत है गाड़ी की, वो चेंज होना टाइमली जरूरी है। हालांकि मैंने पता किया था तो बैटरी परफॉर्मेंस में जो है लोग यही कह रहे थे कि जो है लगभग 3-4 साल ही बैटरी चलती है जो इसके साथ आती है। तो ठीक है, चलिए चेंज करवाते हैं और फिर बात करते हैं। डबल वाली है खाली। तो ये डली हुई है बैटरी इसमें, पहले जो लगी हुई थी कंपनी फिटेड एमरॉन की। और इसमें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप इसमें पढ़ पाएंगे 12 वोल्ट और जो है 39 AH की ये बैटरी है पेट्रोल के लिए। और ये इसका फिटमेंट है कुछ इस तरीके से, इसे चेंज करेंगे अब। तो दोस्तों, मैंने जो है मार्केट में कई सारी बैटरियां ट्राई करी, अलग अलग ब्रांड्स की बैटरियां देखी, जिसमें कि जो है एमरॉन की हो गई, लिवगार्ड की हो गई, और जो है लिवफास्ट की देखी। और लिवगार्ड और लिवफास्ट में जो है मुझे कॉमन फीचर मिल रहे थे, यानी कि जो है 44 AH के साथ जो है 12 वोल्ट की बैटरी मिल रही थी, वो भी 60 मंथ वारंटी के साथ, जिसमें कि जो है 2.5 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी थी। तो दोनों के फीचर कॉमन होने की वजह से जो है मैंने यही बैटरी लेने का फैसला किया। और ये बैटरी का प्राइस जो है मुझे उससे काफ़ी अफोर्डेबल पड़ रहा था, इसलिए मैंने जो है यही बैटरी परचेज करी है। और इसमें जो मॉडल है ये ड्यूरो इलाइट मॉडल है इसका, लिवफास्ट का, जो कि मुझे प्राइस पॉइंट काफ़ी अच्छा मिला। और इसके प्राइस के बारे में भी हम आगे बात कर लेंगे, एक बार इसे जो है कार में पहले फिट कर लें उसके बाद बात करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बैटरी हो गई है चेंज। अब जो मैंने बैटरी लगवाई है वो है लिवफास्ट की, और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है बीच में, जिसमें कि आपको अगर ग्रीन कलर है अंदर तो ओके, अगर चार्ज करने की ज़रूरत है तो इस तरीके से, और अगर रेड आ गया तो इसका मतलब जो है चेक लाइट आ गई है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से हमें यहाँ से जो है मूव करना है। तो इसको बैटरी को मूव करने का तरीका आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो टाटा टियागो में किस तरीके से खुलती है बैटरी। तो ये फिक्स होती है इन दोनों नट्स के, उसके हिसाब से इन दोनों नट्स को आप खोल करके जो है इसको आप, ये प्लेट जो है ये हट जाएगी, इसमें से रिमूव हो जाएगी। और प्लेट रिमूव होने के बाद जो है बैटरी आप इजीली जो है डिसेंबल कर सकते हैं यहाँ से। और आपने अगर देखा हो तो पहले जो बैटरी थी उसके ये दोनों जो क्लंप थे ये दोनों इस साइड में थे, लेकिन क्योंकि जो इसकी पोलैरिटी है वो थोड़ा रिवर्स थी, जो ये बैटरी आ रही है लिवफास्ट की, तो इसकी वजह से जो है अब इसका मुंह उधर को हो गया है। और जो है मैंने इस तरीके से इसको जो है कनेक्ट कर दिया है, और ये इजीली इसमें फिट हो गई है बहुत टाइट तरीके से, कोई इशू नहीं आया किसी भी तरीके से नहीं। इजीली आधे घंटे का काम था, आधे घंटे में जो है बैटरी हमने रिप्लेस कर ली है इसकी।
और अब हम देखने वाले हैं बैटरी रिप्लेस करने के बाद इसका इफ़ेक्ट कैसा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बैटरी मैंने चेंज कर दी है उसमें, और जो है अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये कितनी जल्दी सेल्फ लेती है। सेल्फ लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि पहले के हिसाब से जो सेल्फ ले रही थी उसमें जो है बहुत टाइम लग रहा था कई बार, और कई बार जो है सेल्फ नहीं ले रही थी बैटरी डेड होने की वजह से। अब इस बार एक बार चेक करके देखते हैं, आप सुनिएगा। तो जो क्रैंकिंग है वो बहुत ना के बराबर है और इंस्टेंट स्टार्ट हो रही है बैटरी की वजह से जो है कार, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बैटरी की प्राइसिंग की। तो इस बैटरी की जो प्राइसिंग मुझे पड़ी है अराउंड 4300 पड़ी है, वो भी विदाउट एक्सचेंज। यदि मैं इसे एक्सचेंज करता हूँ तो ये बैटरी मुझे अराउंड जो है 3100 और 200 के करीब कॉस्ट करती। तो बहुत ही इकोनॉमी रेंज में मुझे ये बैटरी मिल गई है, और जो वर्किंग है वो भी बहुत बढ़िया है इसकी बैटरी की। तो मुझे अपने आप में कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा आपको कि यदि आप लेना चाह रहे हो इस रेंज में, तो आप जो है लिवफास्ट की बैटरी ये ले सकते हैं। और बाकी आप देख ही चुके हैं कि जो है परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है। बाकी आने वाले समय में ही देख के पता लगेगा कि ये बैटरी कितनी मतलब जो है एफिशिएंट है, कितना अच्छी तरीके से वर्किंग कर पाने में। तो उसके लिए हम जो है बाद में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी ये जब कहना जल्दबाजी होगी कि जो है बैटरी बहुत बढ़िया है, तो किसी भी तरीके का कोई प्रचार नहीं है। मैंने जो पर्सनल यूज़ के लिए ली है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप में से कोई व्यूअर ये बैटरी यूज़ कर रहा हो लिवफास्ट की, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट दीजिएगा कि कितनी आपकी बैटरी एफिशिएंट है, कितना अच्छा प्रॉपर वर्क कर रही है, या उसमें कोई दिक्कत आ रही है, ताकि और व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पर।